राम राम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो दोस्तों, मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे आया हूँ जो कि आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सो उम्मीद है कि आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपना विचार जरूर देंगे। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रोटी पे। जी हाँ, रोटी जिससे हमारी भूख मिटती है और रोटी की वजह से हम लोग जीवित हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में कि रोटी की अहमियत को नहीं समझते। सो मैं आप सभी से विनती प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा रोटी की इज्जत करें। अगर भगवान ने आपको दो रोटी दिए हैं तो उस रोटी को अच्छे से खाएं और उसको वेस्ट जो रोटी है उसको गौशाला में ही डालें। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग जो वेस्ट रोटी होता है उसको गंदगी में या कहीं इधर उधर फेंक देते हैं। सो मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने, मुझे नहीं पता वो लोग कौन है कौन नहीं है, पर मैंने देखा और उस रोटी को मैंने लिफाफे में डालकर गौशाले में मैंने वो रोटी डाल के आया। सो मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि लोगों ने कैसे लिफाफा भरकर, एक रोटी नहीं, बहुत सारी ऐसे रोटी लिफाफे में भरकर फेंका हुआ था। सो मैंने वो देखा और मेरे दिल को वो तकलीफ हुआ कि भगवान ने अगर हमें दो वक्त की रोटी दिया है तो हमें फर्ज बनता है कि हमारा फर्ज बनता है कि हम उस रोटी की इज्जत करें। और भूख क्या होता है वो उन लोगों से पूछो जिन लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होता। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज मैं वीडियो कुछ खास बनाने वाला हूँ, ऐसी वीडियो जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए दोस्तों, ये देखिए रोटी फेंका हुआ यहाँ पे कितनी गंदगी में। लोग रोटी की इज्जत नहीं करते। रोटी बहुत नसीब से मिलता है और रोटी की इज्जत करना हमारा फर्ज है। सो हमेशा रोटी की इज्जत करें और जिन लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होता ना, उनसे पूछो रोटी क्या अहमियत क्या होता है। सो इन रोटी को गौशाला में भी लोग डाल सकते थे, पर इन लोगों ने इस गंदगी में फेंका हुआ। सो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप रोटी कितनी गंदगी में फेंका हुआ लोगों ने। रोटी की हमेशा दोस्तों, मेरी बेनती है आप लोगों से कि अगर रोटी आपके पास वेस्ट बचता है तो गौशाला में ही डालें, ऐसे गंदगी में ना फेंकें। सो आप देख सकते हैं, हमेशा रोटी की इज्जत करें और रोटी बहुत भाग्य किस्मत से मिलता है। सो दोस्तों, इसको हम लिफाफे में डाल के ना गौशाला में डाल के आएंगे। सो ये आप देख सकते हैं, लिफाफे में हमने रख लिया। लोगों को बेअकल लोग हैं दुनिया में, समझ नहीं आते ऐसे ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं। सो दोस्तों, बेनती यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमेशा रोटी की इज्जत करें, क्योंकि दो वक्त की रोटी जिन्हें नसीब नहीं होता ना, उनसे पूछो रोटी की अहमियत क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, अगर हमें रोटी नहीं खाना है, वेस्ट है रोटी, तो गौशाला में डाल दो, ऐसे गंदगी में फेंकने का क्या मतलब है। सो वीडियो को शेयर करें और फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें। सो आप देख सकते हैं, हमने सारा रोटी यहाँ से निकाल लिया, उस लिफाफे में रख दिया और इसको हम गौशाला में डाल देंगे जहाँ पे गौएं खाएंगी। सो दोस्तों, मैं अभी इस समय गौशाला में आ गया हूँ और ये रोटियाँ लेकर, जिन लोगों ने कूड़े फेंका हुआ था, ऐसे लोगों को रोटी नसीब ना हो जो लोग रोटी की इज्जत नहीं करते। सो आप सभी से निवेदन है कि हमेशा रोटी अगर वेस्ट जाता है तो गौशाला में डालें, इसको इधर उधर ना फेंकें। सो आप देख सकते हैं, मैं अभी इस समय गौशाला में हूँ ये रोटी लेकर। सो मैं यहाँ पे रोटी दाने में डाल देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमेशा रोटी की इज्जत करें। और मैं उन लोगों को भी बताना चाहूँगा जो लोग रोटी की इज्जत नहीं करते ना, उनको रोटी नसीब ना हो, ताकि उनको रोटी की अहमियत पता लगे कि रोटी क्या चीज़ होता है। सो हमने यहाँ पे रोटी दाने में डाल दिया है। तो आप सभी से निवेदन है कि रोटी को गौशाला में डालें, किसी मोहल्ले में या कहीं पर फेंके नहीं, क्योंकि रोटी दोस्तों बहुत भाग्य और किस्मत से मिलता है। अन्न की इज्जत करें ताकि वो अन्य आपकी इज्जत करे। तो वीडियो को शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सानवी रानी पंजाब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।